सर आप म्यूट पे हैं। अगर हैं तो सर म्यूट पे हैं आप। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। सर ओके सर। टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था आपका लेवलिंग। लेवलिंग का मतलब आप सभी समझ गए होंगे। लेवलिंग का मतलब होता है कि ग्राउंड पे जो पॉइंट्स हैं, कोई भी पॉइंट्स है, दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच का उनका रिलेटिव हाइट डिफरेंस, या फिर समुद्र तल से बेंचमार्क से उनकी क्या हाइट है। और हाइट पता करने से क्या होगा, हर पॉइंट की हाइट पता करने से हमें उस ग्राउंड की प्रोफाइल का पता चल जाएगा कि कहाँ पे ऊंचा है, कहाँ पे नीचा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें वहां पे किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाना है, उस हिसाब से हमें फिलिंग कटिंग करनी है, जो भी करना है हमें स्लोप बनाना है, तो उस हिसाब से हम कर लेते हैं। तो लेवलिंग का मतलब ग्राउंड पे पॉइंट्स मार्क करके उन पॉइंट्स का हाइट हमें पता करना है। ठीक है, एक सेकेंड बस रुकना। ठीक है, तो लेवलिंग क्या हो गया। लेवलिंग में एक पॉइंट आता है आर एल, रिड्यूस लेवल। हर पॉइंट का रिड्यूस लेवल क्या होगा। रिड्यूस लेवल का मतलब है उसकी हाइट समुद्र तल से या बेंचमार्क से कितनी है। ठीक है, ध्यान रखना। अब लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होता है। एक तो होता है आपका स्टाफ, जिसपे रीडिंग्स होती है, जिसको एक स्ट्रेट लेके खड़ा हो जाता है, फिर हम टेलीस्कोप से देखते हैं। जो टेलीस्कोप होता है ट्राइपॉड के ऊपर लगा, उसको बोलते हैं लेवल। ये इंस्ट्रूमेंट हो गए। अब क्या मेथड्स हैं, कितनी टाइप का क्लासिफिकेशन है लेवलिंग का, वो यहाँ पे होगा। कितनी सर टाइप। हाँ सर आपकी आवाज बहुत गूंज के आ रही है और कट रही अरे है। जा, एसी बंद कर देना, आवाज नहीं आती क्लियर। सर क्लियर आवाज नहीं आ रही है। नहीं सर माइक से दूर हो क्या? नहीं माइक के पास आ रही है। नो सर अभी भी वैसे ही सर, गूंज के आ रही है सर बहुत खराब आ रही है। सर, बहुत अनक्लियर है आपकी आवाज। ठीक है, तो जो आपका लेवलिंग है ना, वो क्लासिफिकेशन जो लेवलिंग का, ये आपका देखा होगा कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्लासिफिकेशन। बहुत सिंपल है। ठीक है, एक तो क्लासिफिकेशन प्लस इसके ऊपर एक ब्रांड अमेरिकन, जो मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, वो लेवलिंग के ऊपर आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, और आएगा 100%। लेवलिंग में दो मेथड होते हैं, उन दो मेथड में किसी एक मेथड के ऊपर एक मैक्सिमम मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। ठीक है, और एक थ्योरी में आ सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग। सबसे पहले आपका सिंपल लेवलिंग। तो सिंपल लेवलिंग क्या होता है, जब हमें दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, बीच पर सॉरी एलिवेशन डिस्टेंस, हाइट हमें मेजर करनी होती है, उसी को हम बोलते हैं सिंपल लेवलिंग। इट इज द सिंपलेस्ट मेथड यूज्ड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन टू पॉइंट्स। ये ग्राउंड है, नीचे शेडेड, इसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट से हमने देखा, यहाँ पे स्टाफ खड़ा हुआ है, यहाँ पे हमने ए पॉइंट को देखा, रीडिंग आई 1.739। यहाँ पे हमने बी को देखा, बेंचमार्क को 1.6। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो दोनों की हाइट का डिफरेंस हमें मिल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं सिंपल लेवलिंग। दो पॉइंट की हाइट के डिफरेंस को पता करने के लिए हम क्या बोलते हैं उसको, सिंपल लेवलिंग। नेक्स्ट है आपका डिफरेंशियल लेवलिंग। ठीक, क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल है, थोड़ा सा एक बार समझोगे। इन दिस मेथड यूज टू फाइंड डिफरेंस एलिवेशन बिटवीन द पॉइंट्स इफ दे आर टू फार। आपके जो पॉइंट्स हैं बहुत दूर दूर हैं। ठीक है, मान लो ये ग्राउंड है। ठीक है, एक पॉइंट ये है ए, मैं मार्क कर देता हूँ ए। एक पॉइंट ये है बी,
और इनके पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बहुत सी है, यानी कि यहाँ से दूर दूर डिस्टेंस है ना। तो हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखा हुआ है, रेंजिंग रॉड आपकी ये, रेंजिंग रॉड स्टाफ बोलते हैं, स्टाफ ये है आपके यहाँ पे। तो इसको यहाँ से देखेंगे ए को, फिर बी को देखेंगे, फिर सी को देखेंगे, फिर इंस्ट्रूमेंट को उठा के दूसरी जगह रखेंगे, फिर सी को दोबारा देखेंगे। तो इस तरह की लेवलिंग को हम बोलते हैं डिफरेंशियल लेवलिंग, यानी कि नंबर ऑफ पॉइंट भी ज्यादा है और पॉइंट के बीच में डिफरेंस भी ज्यादा। सिंपल लेवलिंग में क्या था, केवल दो पॉइंट के बीच का आप डिफरेंस देख रहे थे। देख सकते हो यहाँ पे, आप देख सकते हो इस डायग्राम से, ग्राउंड एक इरेगुलर ग्राउंड है, कहीं पर ऊंचा है कहीं पर नीचा है, और बहुत सारे पॉइंट इंस्ट्रूमेंट भी, एक इंस्ट्रूमेंट से कितनी रीडिंग ली हुई है, जैसे ये वाला इंस्ट्रूमेंट से कितनी रीडिंग ली हुई है, 1 2 3 4 5 रीडिंग ली गई। इस इंस्ट्रूमेंट को उठा के यहाँ रखा गया है और इससे कितनी ली गई है, 1 2 3 3 रीडिंग ली गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल डिफरेंशियल लेवलिंग। नेक्स्ट है फ्राई लेवलिंग। फ्राई लेवलिंग होती है आपकी रफ लेवलिंग, रफली आपको किसी ग्राउंड का एक लेवलिंग करनी है, जल्दी में करना है, उसको बोलते हैं फ्लाई। इसमें देखो लिखा हुआ है, इन फ्लाई लेवलिंग ओनली बैक साइड एंड फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड होती है, बैक साइड होती है, फोर साइड होती है। अगर ये हमारा स्टाफ है, यहाँ पे हमारा इंस्ट्रूमेंट है और एक स्टाफ यहाँ पे है, तो ये क्या होगा, इसका बेंच मार्क है आपका, उसको आर एल आपका नॉन है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, बैक साइड। इस रीडिंग को बोलेंगे बैक साइड। और ये जो है ये वाली रोड के बाद इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से उठा लेंगे तो ये क्या हो जाएगी, फोर साइड। यानी कि एक पॉइंट से दो रीडिंग ली हमने और फिर इंस्ट्रूमेंट को वहां से उठा के दूसरी जगह रख दिया, तो इंटरमीडिएट साइड तो आई नहीं इसमें, क्योंकि यहाँ पे हमने दो रीडिंग देखी, उठा के इंस्ट्रूमेंट को ए से बी पे रख दिया, बी से हमने इसको देखा वापिस तो ये बैक साइड, फिर आगे वाले पॉइंट को देखा तो फोर साइड, फिर इंस्ट्रूमेंट को उठा दिया। तो हर बार इंस्ट्रूमेंट को उठा रहे हैं तो इंटरमीडिएट साइड वो साइड होती है कि लास्ट साइड से पहले भी कुछ साइड्स हैं, तो वो इंटरमीडिएट होती है। पर इसमें क्या है, तो दो रीडिंग देखी, इंस्ट्रूमेंट को उठा लिया और जल्दी जल्दी हमने ऐसे ग्राउंड का, बड़े ग्राउंड का एक लेवलिंग कर लिया, रफ लेवलिंग होगी, इसी को बोलते हैं फ्लाई लेवलिंग। देखो यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया भी है कि बस दो पॉइंट देखे, इंस्ट्रूमेंट को उठा के यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, जल्दी भी हो गया काम, और जल्दी काम होगा तो रफली ही काम होगा, ठीक है। तो ये फ्लाई लेवलिंग है आपका। उसके बाद आता है आपका चेक लेवलिंग। आपने लेवलिंग की किसी ग्राउंड की और फिर उल्टा उसको है ना, आपने ये लेवलिंग की है, यहाँ पे जिगजैग पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ जी, और फिर आपने उल्टा जाके चेक कर लिया सारे पॉइंट को दोबारा से, उसी को बोलते हैं चेक लेवलिंग। उसके बाद आता है प्रोफाइल लेवलिंग। प्रोफाइल लेवलिंग का मतलब है, इसका डायग्राम भी होगा, ये है आपका चेक लेवलिंग, ठीक है। काम खत्म हो गया उसके बाद आपने दोबारा सारे रीडिंग को चेक किया, ठीक है। इसके बाद प्रोफाइल लेवलिंग है। प्रोफाइल लेवलिंग का मतलब है किसी एक लेंथ के अलोंग आप जा रहे हैं, ठीक है, ज्यादातर रोड या हिल ऐसी जगह हम जा रहे हैं, उसकी प्रोफाइल हम ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे कि आपका हिल है, अब हिल के आपने पॉइंट्स का एलिवेशन, हर पॉइंट का एलिवेशन ले लिया, उसके बाद उसको ड्रॉ करेंगे, उसकी प्रोफाइल ड्रॉ हो जाएगी कि हिल हमारा कैसा है देखने में, ऊंचाई नीचाई, तो इसी को बोलते हैं प्रोफाइल लेवलिंग। इन सबका पढ़ लेना आप डेफिनेशन एक बार, अभी तो मैं वैसे ब्रीफ कर रहा हूँ। क्रॉस सेक्शन लेवलिंग। क्रॉस सेक्शन रोड के टाइम पे होती है, मान लो ये रोड है, रफली रोड है, यहाँ पे रोड बनेगी, और रोड बनाने के लिए पहले इस ग्राउंड की लेवलिंग करनी है, तो जो सेंटर पॉइंट है उसके यहाँ ऑफसेट मारते हैं ऐसे, मान लो 2-5 मीटर का ऑफसेट मार दिया और हम लेवलिंग लेते गए। लेवलिंग कौन से पॉइंट की, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, इस तरह से डी पॉइंट, ई पॉइंट, एक क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग हम चलते गए, ठीक है, एक पाथ के अलोंग ऑफसेट मार के कुछ डिस्टेंस पे, और हम लेवलिंग लेते गए एक रोड बनाने के लिए, उसी को एंगल्स का भी यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री लेवलिंग। देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लेवलिंग है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एंगल भी मेजर कर रहे हैं,
ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। तो हम इंस्ट्रूमेंट भी ऐसा लेंगे जिसमें एंगल मेजर कर सके। बैरोमेट्रिक लेवलिंग इन दिस मेथड एटीट्यूड altitude difference is determined by the mean of barometer bearing based on the fact that atmosphere pressure na har jagah alag hai, har point pe alag hota hai, theek hai, pure earth par har ground point pe para atmosphere pressure jo hota hai wo vary karta hai, har height pe vary kar raha hai, theek hai। To us variation ki wajah se hum ek instrument se pata kar sakte hain ki height us point ki kitni hai। Ground ke bilkul surface pe atmosphere pressure alag hai, एक मीटर ऊपर अलग आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दो मीटर पे अलग है। अगर आपको ये वेरिएशन पता है, इंस्ट्रूमेंट आपको पता कर लेगा ये पॉइंट कितनी ऊंचाई पे है, ठीक है। समझ रहे हो, मान लो समुद्र तल है, ये है समुद्र तल, आप बोलोगे सर ये ग्राउंड है और ये वाले पॉइंट का अगर हम प्रेशर देखेंगे और ये वाला तो है तो सरफेस पे तो इक्वल होगा, नहीं, समुद्र तल से देखो कितनी ऊंचाई पे है, ये अलग हाइट पे है, ये अलग हाइट पे है, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा। तो इसी तरीके से हम अगर लेवलिंग करें तो उसको बोलते हैं बैरोमेट्रिक, इंस्ट्रूमेंट भी अलग होता है इसका, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट दो टाइप का होता है, मर्करी और एंड्रॉइड बैरोमीटर, इसको अलग से हम बाद में पढ़ लेंगे। इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो प्रेशर मेजर करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक मर्करी हो गया ये वाला। हाइपोसोमेट्रिक ये होता है टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, वर्किंग ऑफ हाइपोसोमेट्री फॉर डिटरमाइनिंग द एलिवेशन डिपेंड अपॉन द फैक्ट दैट द टेंपरेचर एट व्हिच वाटर बॉइल वेरीज विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द बॉइलिंग पॉइंट। हाइट के अकॉर्डिंग और प्रेशर जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का वो भी हाइट के साथ चेंज होता है। तो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ये बता दे हमें कि इस पॉइंट पर बॉइलिंग पॉइंट ये है, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन से हम हर पॉइंट की हाइट निकाल सकते हैं समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे। यही इसका क्लासिफिकेशन है, इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है। एक और रह गया आपका रेसिप्रोकेट लेवलिंग, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ज्यादा पूछा जाता है, इसको स्टार कर लेना जरा, ठीक है। अभी मैं बुक में बताऊंगा, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। एज्यूम करो एक रिवर जा रही है, ये रिवर है, ये पानी है, यहाँ पे आपके पास ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, दोनों के बीच की जो लेंथ है बहुत ज्यादा है, लेंथ ज्यादा लोगे तो एक्यूरेसी कम आएगी। तो हम कैसे इसकी लेवलिंग करें, क्योंकि हमें बीच में यहाँ पे स्टाफ रख सकते हैं, नहीं रख सकते। अच्छा, पीपीटी दिखाई दे रही हो, आवाज आ रही हो, ना आ रही हो तो बता देना बीच में। तो रिवर के बीच में तो हम स्टाफ रख नहीं सकते, ठीक है, और डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। क्या चीज, आवाज क्लियर नहीं है। चलो कोशिश कर रहा हूँ, मैंने फैन वैन सब बंद कर दिया, क्या करें, जैसी है। तो देखो मैं थोड़ा और तेज बोल रहा हूँ, फट-फट एकदम आ रही है सर आपका, क्या माइक प्रॉब्लम हो रहा है सर, सर आवाज तो लाउड है लेकिन फट गया है, क्लियरली सुन नहीं रहा। ठीक है ठीक है, रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होती है, जब आपका दो पॉइंट ऐसे होते हैं जिनके बीच में आप स्टाफ रख के इंस्ट्रूमेंट को रख के आप मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो वहां पे क्या करना होता है हमें, जैसे ये रिवर का केस है कि बीच में रिवर है और हम बीच में ना स्टाफ को रख सकते हैं ना ही इंस्ट्रूमेंट रख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक रेंजिंग रॉड ए पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ पे हमने रखा इंस्ट्रूमेंट और एक रेंजिंग रॉड दूसरे पॉइंट पर रखेंगे। सबसे पहले इस स्टाफ की रीडिंग लेंगे जो हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट के, और फिर हम जो दूसरा वाला है उसकी रखेंगे, तो यहाँ पे मिल जाएगा ए वन, आपको मिल जाएगी वो क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे रीडिंग मिलेगी ए बी टू बी वन, सॉरी बी वन, तो आपको दो रीडिंग मिल गई ए वन बी वन, क्योंकि ए पॉइंट पे स्टाफ रखा है बी पॉइंट पे स्टाफ रखा है। आप क्या करेंगे, इन्वर्स कर देंगे इंस्ट्रूमेंट को, इस डायरेक्शन में रखेंगे दूसरे पॉइंट पे, ठीक है। अब स्टाफ को इसको देखेंगे तो यहाँ पे रीडिंग मिलेगी बी टू, और इसको दोबारा देखेंगे तो यहाँ मिलेगी ए टू, तो हमको चार रीडिंग मिल जाएंगी। अब इन चार रीडिंग की हेल्प से और कैलकुलेशन की हेल्प से हम दोनों के पॉइंट के एलिवेशन डिफरेंस निकाल सकते हैं, यही होता है रेसिप्रोकल, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे बाद में। ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है,
कि हमारा एक रिवर का एग्जांपल लिया हुआ है और ए पॉइंट पे स्टाफ रखा ये रहा और हमारा बी पॉइंट पे भी स्टाफ है। पहले ए पे ए के पास ए की साइड में यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रख के दो रीडिंग मिल गए हमें ए वन और ए बी वन, और फिर हमने इंस्ट्रूमेंट को दूसरी जगह पे रखा उससे हमें मिल गए बी वन बी टू। इस तरीके से हम इसको रेसिप्रोकल लिंकिंग करते हैं। तो सबसे मेन है वो आपका मेथड आर एल है, आपको किसी भी पॉइंट का आर एल निकालना है। उसके दो मेथड है, एक है आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और एक है आपका राइज एंड फॉल मेथड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। मैक्सिमम मार्क्स का न्यूमेरिकल इन दो मेथड में से 100% आना है एक्सटर्नल एग्जाम में। इंटरनल में भी आएगा पीयूई में या टेस्ट में, लेकिन एक्सटर्नल में मैक्सिमम मार्क्स का 100% एक न्यूमेरिकल आएगा, जिस न्यूमेरिकल में आपको आरएल निकालना होगा गिवन पॉइंट्स का। और उन पॉइंट ये मेथड भी आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगा कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से निकालना है या फिर राइज एंड फॉल मेथड से आपको सॉल्व करना है। क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ फाइंडिंग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एच आई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर एवरी सेटअप ऑफ इंस्ट्रूमेंट then obtaining the RL reduced level of point of reference with respect to height of instrument। ठीक है, बताता हूं मैं इसको, explain करता हूं कि height of instrument method होता क्या है, उसके बाद numerical तो मैं next class में हम use करेंगे, वो try करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना, आवाज clear नहीं आ रही है तो earphone या आवाज तेज कर लो, इसको ध्यान से सुनना। न्यूमेरिकल कैसे आता है, जब आप ग्राउंड में एक्सपेरिमेंट करते हो तो क्या नोट करते हो आप के पास स्टेशन होते हैं जहां पे आप इंस्ट्रूमेंट को रखते हो, उसको स्टेशन बोल दो या फिर स्टेशन आप उसको बोल दो जहां पर आप रेंजिंग रोड रखते हो। एक तो रेंजिंग रोड रखते हो, एक इंस्ट्रूमेंट का पॉइंट होता है। ठीक है, पहले हम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। जब आप ग्राउंड पे जाते हो इंस्ट्रूमेंट को लेकर, आपने इंस्ट्रूमेंट को एक जगह पर रखा और आपने रेंजिंग रोड एक पॉइंट पे रखी, और रेंजिंग रोड बार बार बोल रहा हूँ, रेंजिंग रोड होती है जो हम कंपासन रोड करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं स्टाफ की। ठीक है, तो स्टाफ हमने जहां पर रखा इंस्ट्रूमेंट से, हमने जो रीडिंग ली वो नोट कर ली, वो हो सकती है बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड, यही तो हो सकती है, तीनों में से कोई एक हो सकती है। एक आपके पास बेंच मार्क होगा, यानी कि जो पहला पॉइंट होगा उसका आर एल आपको नोन होगा और आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया, पॉइंट ए पे बैक साइड इतना है, पॉइंट बी पे फर्स्ट साइड इतना है, पॉइंट सी पे इंटरमीडिएट साइड इतना है, ये सब आपने नोट कर लिया। ये डाटा आपको एक्सपेरिमेंट करके मिलता है और न्यूमेरिकल में भी ये डाटा आपको गिवन होगा। और आपको निकालना क्या है, हर पॉइंट का आर एल। जो हमने रीडिंग ली है ना वो आर एल नहीं है, वो तो हमारा बता रहा है कि जिस पॉइंट पे आपने स्टाफ को रखा है उस स्टाफ की हाइट हमारे लाइन ऑफ साइट में कितनी, लाइन ऑफ साइट हमारी कहाँ कोइंसाइड कर रही है, उस पॉइंट का समुद्र से कितनी ऊंचाई है वो हमने नहीं किया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि जो हम रीडिंग लेते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट से, आंखों से देखते हैं कि हमारा जो क्रॉस हेयर है वो स्टाफ पे कहाँ लग रहा है, मान लो 2 मीटर निकल के आया, तो 2 मीटर क्या है कि जिस पॉइंट पे स्टाफ रखा है उस पॉइंट से स्टाफ की हाइट इंस्ट्रूमेंट की हाइट के बराबर तक कितना दिखा रहा है, 2 मीटर, लेकिन उस पॉइंट का जो ग्राउंड पे है उसका समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है वो नहीं पता किया है हमने, वो कैलकुलेशन से पता चलेगा। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हो नीचे एक टेबल है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो समझनी है, ये डाटा आपको गिवन होगा, ये डाटा। ठीक है, ये डाटा गिवन है और ये वाला डाटा आपको कैलकुलेट करना है, रेड बॉक्स वाला। ठीक है, लेकिन पहले आपको जो गिवन डाटा है वो अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसको डायग्राम बनाना आना चाहिए, बनाने की जरूरत नहीं है सॉल्व करते हुए न्यूमेरिकल, लेकिन आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखते हैं, स्टेशन ए पर बैक साइड है आपकी 0.9, फर्स्ट स्टेशन है 0.9 मीटर है, यानी कि ये बेंच मार्क भी है, तो ये हमें पहले से पता है। तो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखा हुआ है, देखो फिगर दिया हुआ है, और ये पहला पॉइंट है ए जिसका 0.9 मीटर है और बेंचमार्क है 100 मीटर, 100 मीटर यानी समुद्र तल से ऊंचाई, यानी ये समुद्र तल है आपका ये,
ठीक है, मान लो नीचे समुद्र तल है तो इसकी जो हाइट है ये कितनी है 100 मीटर। और जब हमने इस पॉइंट को देखा तो जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो कहां कोइंसाइड कर रही है, 0.9 पे। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे इंटरमीडिएट साइड दिखा रहा है बी पे, यानी कि इंस्ट्रूमेंट अभी वहीं पर रखा हुआ है, उससे हमने जिस पॉइंट को देखा वो इंटरमीडिएट साइड होगी जो दिखा रहा है कितना 1.1 मीटर यहाँ पे। थर्ड पॉइंट पे आप देखोगे सी पे, तो सी पे दो रीडिंग दिखा रहा है बैक साइड फोर साइड। जिस पॉइंट पे दोनों रीडिंग दिखाए बैक साइड और फोर साइड, समझ लो लास्ट पॉइंट है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट वहां से उठा लिया गया है, और उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे सीपी चेंजिंग पॉइंट। ठीक है, क्योंकि आपके सी पॉइंट पे बैक साइड भी दिखा रहा है, यानी कि सी पॉइंट पे आपने इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ली और फिर डी पॉइंट सी पॉइंट पे आपने दूसरी रीडिंग ली, तो आपको क्या मिल जाएगी बैक साइड और फोर साइड, यानी कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है। इसको और अच्छे से समझाने के लिए थोड़ा मैं पेंट पे बता देता हूँ, मुझे पता है कंफ्यूजन हो गई होगी, यहाँ पे बता देता हूँ आपको मैं। ये ग्राउंड है आपका, ठीक है, यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, ये आपका स्टाफ। इस स्टाफ को पहले यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जब था तो देख चुके हो आप, ठीक है, रीडिंग ले चुके हो, और क्योंकि यहाँ से स्टार इंस्ट्रूमेंट को उठा के हमने यहाँ रख दिया है तो ये लास्ट रीडिंग थी, तो ये क्या हो जाएगी फोर साइड। ठीक है, अब हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे आ गया, और यहाँ से हम दोबारा इसको देख रहे हैं, मान लो सी पॉइंट है, इसको दोबारा हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगी बैक साइड। ठीक है, और यहाँ पे फिर एक और स्टाफ रखा हुआ है, और फिर हमने इसको देखा यहाँ पे, ठीक है, ये क्या हो गई हमारी फोर साइड। अगर हम यहां से चेंज कर रहे हैं तो, अगर चेंज नहीं कर रहे हैं, एक और स्टाफ हमारा यहाँ पे रखा हुआ है और इसको भी देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी इंटरमीडिएट साइड। और अब इसको लास्ट हमारी रीडिंग यहाँ पे, इसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से उठा लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी यहाँ पे फोर साइड। और पॉइंट्स जो स्टेशन की बात हो रही है वो सी है, ये डी है, ये ई है पॉइंट। अब मेरे को ये देखो जो सी पॉइंट है, सी स्टेशन है हमारा, यहाँ पे कितनी रीडिंग मिल रही है हमें, स्टाफ तो एक ही जगह रखा हुआ है, लेकिन हमने पहले इंस्ट्रूमेंट से इसको देखा था यहाँ से, तो यहाँ पे क्या मिली थी फोर साइड। इंस्ट्रूमेंट को उठा के यहाँ पे रखते हैं, यहाँ बैक साइड, यानी कि सी को देखने के बाद इंस्ट्रूमेंट उठाया गया है, तो यानी कि सी पॉइंट पर दोनों रीडिंग आ रही है, यहाँ की यहाँ पे कौन सा पॉइंट है चेंजिंग पॉइंट, यानी कि यहाँ पे स्टाफ को हम उठा चुके हैं। ये ध्यान रखना है आपको कि जब आप टेबल बनाओगे, टेबल में जिस पॉइंट पे दोनों रीडिंग आ रही है बैक साइड और फोर साइड, यानी कि वहां पे क्या होगा रिमार्क में देखो लिखा हुआ है सीपी चेंजिंग पॉइंट। अब जो डी पॉइंट है उस पर केवल कौन सी रीडिंग आ रही है फोर साइड, और उसके आगे कोई रीडिंग नहीं, यानी कि लास्ट रीडिंग है, ठीक है, और ये फर्स्ट है आपकी बेंचमार्क, ये बीच में इंटरमीडिएट साइड आ रही है। तो यहां तक आपको ये चीज समझ लेनी है, टेबल बनाना, हो सकता है न्यूमेरिकल में टेबल बनी हुई है, हो सकता है कि न्यूमेरिकल में केवल रीडिंग्स लिखे हो, टेबल आपको बनानी है। अब आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालनी है, ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का फॉर्मूला होता है, अगर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको निकालनी है तो फॉर्मूला होता है आर एल प्लस बैक साइड, या फिर होता है हाइट ऑफ आर एल क्या होता है हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड, या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड। ठीक है, अब देखो इसे ध्यान से समझो, न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ए स्टेशन पे जो रीडिंग है हमारे पास बैक साइड, वो बेंचमार्क भी है, तो जो बेंचमार्क हमारा 100 मीटर है वही हमारा आर एल होगा। ठीक है, ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना, ये ए पॉइंट जो है वो समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है 100 मीटर, हम क्या निकाल रहे हैं समुद्र तल से हर पॉइंट की ऊंचाई निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आर एल उसी को बोलते हैं, अब वो नॉन है हमें गिवन है, तो ए पॉइंट का आर एल हमें गिवन है 100 मीटर हो गया, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगी हमारी, है ना, जो हमारे रीडिंग ली है 0.9 वो एड हो जाएगी आर एल में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का आर एल प्लस बैक साइड।
इस फर्स्ट रो में, इस फर्स्ट रो में हमारे पास बी एस है, ठीक है, आर एल है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालनी है तो हमने इस फॉर्मूले से निकाल ली, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी आ गई 100.9 मीटर, ठीक है, फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो में आते हैं, सेकंड रो में क्या है हमारी इंटरमीडिएट साइड, ठीक है, और क्योंकि इंटरमीडिएट साइड है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारा वहीं पर रखा हुआ है जहां रखा हुआ था इंटरमीडिएट में, ठीक है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमें निकालने की जरूरत नहीं है, फोर साइड भी नहीं है हमारे पास, बैक साइड भी नहीं है, हमें निकालना है आर एल, और आर एल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया अभी, आर एल इज इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्रीवियस जो है माइनस क्या होगी इंटरमीडिएट साइड। बी पॉइंट के लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो वही होगी जो पहले 100.9, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट, ये तो हमारे पास अब आर एल क्या आ गया 99.8, तो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब सी पे आते हैं, सी पे हमारी बैक साइड भी है फोर्थ साइड भी है, ठीक है, और सी पॉइंट पे इंस्ट्रूमेंट को हमें उठाया गया है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम निकालेंगे, ठीक है, और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम कैसे निकालेंगे देखो, यहाँ पे जो हमारा प्रीवियस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है 100.9 उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, मैंने बताया था कि हमारा जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का फॉर्मूला है वो आर एल प्लस बैक साइड है, तो आर एल क्या है हमारा 99.8, अगर इसमें हम ऐड कर दें इसको ऑलरेडी, इसमें हम अगर हम ऐड कर दें बैक साइड तो 99.8 में ऐड कर दिया 1.450, तो ये कितना आ गया 100 हो गया ये, और ये हो गया 100.13 तो नहीं आएगा, हाँ बैक साइड को ऐड कर रहा हूँ इसमें 99.8 में, कैलकुलेशन में गलती हो सकती है इसी स्लाइड में, काफी कैलकुलेशन में गलती रही है पहले भी, जो हमारी आर एल है उसमें अब ऐड कर देंगे बैक साइड, ठीक है, जो फॉर्मूला बताया इससे आप निकाल लेना आर एल इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड, तो हमारा इसका भी निकल जाएगा, ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल गया तो आर एल भी निकल जाएगा आपका, आर एल का फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट रो में डी में, डी में हमारे पास फोर साइड है और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारी यही रहेगी 101.3, इसमें से माइनस कर देंगे फोर साइड को तो हमारा आ जाएगा आर एल, तो इस तरीके से आपको सारे पॉइंट्स का आर एल निकालना है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आएगा आपका मैक्सिमम मार्क्स का, ठीक है, इसमें क्या चेंजेस हो सकता है कि बेंचमार्क जो है आपका फर्स्ट रीडिंग का गिवन है, हो सकता है बीच में किसी और रीडिंग का गिवन हो, तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में आपको हाइट निकालनी होती है, हाइट कहाँ निकालनी होती है, जहां पे इंस्ट्रूमेंट हमारा चेंज हुआ होता है वहां पे हमें हाइट निकालनी होती है, हाइट कैसे निकालते हैं आर एल प्लस बैक साइड, और आर एल कैसे निकालते हैं अगर हाइट निकाल ली तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट साइड, ये और क्लियर हो जाएगा जब थोड़ा सा माइक में थोड़ा सा ठीक जगह लेक्चर लूंगा और साथ में इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे। सेम एज आपका राइज एंड फॉल मेथड है, थोड़ा सा अलग है, उसमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं होती, वो कैसे करना है हमें वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आपके ये दो न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे अगर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और राइज एंड फॉल मेथड, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं अगर एग्जाम्पल है हमारे पास तो राइज एंड फॉल का। In this matter consists of determining the difference of level between consecutive point of comparing each point and inter with intermediate point residing on point. अच्छा देखो किसी अगर माइक की वजह से या किसी और वजह से किसी को कंफ्यूजन हो इन दोनों मेथड में, तो हम इन दोनों मेथड में कम से कम दो दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो कम बहुत ज्यादा परेशान मत होना। तो राइज एंड फॉल मेथड है, इसमें भी आपको ये टेबल तो आपको बनानी पड़ेगी या गिवन होगी, आपको डाटा गिवन होगा टेबल आपको बनानी होगी, टेबल बनाने के बाद आपको इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है आपको, राइज एंड फॉल में आपको दो कॉलम बनाने होंगे राइज एंड फॉल, ठीक है, इनकी वैल्यू निकालनी, निकालोगे कैसे, एरो दिया हुआ है, बैक साइड में से इंटरमीडिएट साइड माइनस करोगे तो फर्स्ट रो का तो राइज एंड फॉल होगा नहीं, ठीक है,
तो जब बैक साइड में से आप माइनस करोगे इंटरमीडिएट साइड, अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो राइज, नेगेटिव आती है तो फॉल, तो नेगेटिव वैल्यू आई है तो यहाँ पे फॉल आ गया। सेम एज नेक्स्ट रो के लिए आपने क्या किया, आई एस में से माइनस कर दिया एफ एस, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो राइज, नेगेटिव आ रही है तो फॉल, यहाँ पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे सी रो में आपको दोनों चीज दी हुई है, तो जब बी में जाएंगे तो बैक साइड में से माइनस करना है आपको फोर साइड, और पॉजिटिव आएगा तो राइज, नेगेटिव आएगा तो फॉल। ठीक है, इस तरह से आपको राइज एंड फॉल निकाल लेना है। फिर जो आपको फर्स्ट पॉइंट का आर एल ओ गिवन है 100 मीटर, अगर फॉल आया तो माइनस कर देंगे आर एल निकल जाएगा, राइज आया तो एड कर देंगे आर एल निकल जाएगा। सिंपल मेथड है, आपको क्या रखना है, आपको कैसे निकालना है, आपको राइज एंड फॉल फॉर्मूला में लिख देता हूं, बैक साइड माइनस इंटरमीडिएट साइड, इंटरमीडिएट साइड गिवन है और इंटरमीडिएट साइड गिवन है तो उन दोनों को माइनस करोगे, इंटरमीडिएट साइड और फोर्थ बेयरिंग फोर्थ साइड है तो उनको माइनस करोगे, बैक साइड है और फोर्थ साइड गिवन है तो उनको माइनस करोगे। ये कंडीशन होगी, आप माइनस करोगे, प्लस आया तो राइज, नेगेटिव आया तो फॉल, आर एल जो गिवन है उसमें से प्लस माइनस करते जाओगे सारे आर एल आपको निकल जाएंगे। दोनों मेथड में, जब दोनों मेथड से आप सोल्व कर लोगे तो आपको ये भी पता करना है कि हमारा तो जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट है या नहीं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। दोनों मेथड में जो बैक साइड का कॉलम है उसको सबको सम कर लोगे, जो फोर साइड का कॉलम है उसको सम कर लोगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे, यहाँ आ जाएगा आर एल का जो कॉलम है उसमें जो लास्ट आर एल आया है और जो फर्स्ट आर एल आया है उन दोनों को माइनस करोगे कोई वैल्यू आ जाएगी। दोनों वैल्यू अगर इक्वल आ रही है आपकी, इसका मतलब है आपका जो सारा कैलकुलेशन है वो ठीक है। ठीक है, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और इसको मैं थोड़ा ज्यादा टाइम दूंगा इसके न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, माइक में दूसरा चेंज कर लूंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल इसका मैंने आपको बताया कि 100% एक्सटर्नल में इसके ऊपर मैक्सिमम मार्क्स का आता है। अगर मैक्सिमम मार्क्स 7 नंबर है तो 7 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा। किसी एक मेथड के ऊपर सोल्व करना होगा, या ऑप्शन में दिया होगा कि राइज के ऊपर सोल्व करो कि आपका हाइट इंस्ट्रूमेंट, बहुत ईजी है कैलकुलेशन में, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसे यहाँ पे हो गई थी कंफ्यूजन। ठीक है, मैंने सॉल्व करके नहीं देखा है, और इस पीपीटी में रीडिंग्स में काफी गलतियां हैं कैलकुलेशन में, जैसे कि यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती है, यहाँ पे ये 101.3 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वो सॉल्व करके मैं तब आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, आपको रीडिंग गिवन होगी, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, पर आपको आना चाहिए। उसके बाद कौन से मेथड से आपको करना है वो गिवन होगा, सॉल्व कर लेंगे। तो जो लेबलिंग है, लेबलिंग में आपको देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लेबलिंग में टाइप्स ऑफ लेबलिंग, इंस्ट्रूमेंट की टेम्परेरी और परमानेंट एडजस्टमेंट, और आपके मेथड ऑफ लेबलिंग, तीन चीजें हैं। टाइप ऑफ लेबलिंग में 7 और 8 लेबलिंग है टाइप्स की, इंस्ट्रूमेंट के जो एडजस्टमेंट है टेम्परेरी है और परमानेंट है। ठीक है, और आपका तीसरा क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और ये वाला तो 100% आएगा ही आएगा न्यूमेरिकल। ठीक है, ये देखो क्या होता क्या है ना, मैं आज कॉलेज आया हूँ तो कॉलेज के जो आपके कैड लैब है उसमें जो माइक है और उसके जो पीसीएम है उसको यूज कर रहा हूँ, उसमें क्लियरिटी कम होती है, और जब मैं घर में होता हूँ तो जो मेरे पास माइक है उससे क्लियरिटी अच्छी होती है, तो इसलिए मैं आज न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करा रहा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा सही माइक के साथ तब उसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। एक बार आप इस पीपीटी को लेबलिंग पीपीटी करके गूगल पर लिखोगे तो मिल जाएगी, एक बार आप देखना चाहो देख लेना, जो जब मैं न्यूमेरिकल कराऊं तो ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, एक बार आप सर, सर ये राइज एंड फॉल मेथड में जब हम चेंजिंग पॉइंट पे आते हैं तब हम नए पॉइंट से सबट्रैक्शन एडिशन करते हैं ना, अब जैसे कि यहां पे हम 0.9 माइनस 1.1 कर देंगे फिर 1। हाँ देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड हो या फिर राइज एंड फॉल मेथड हो, राइज एंड फॉल में राइज ऑफ फॉल निकाल रहे हैं और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल रहे हैं, लेकिन निकाल क्यों रहे हैं, मेन एम एम आर एल निकालना है।
ठीक है, लेकिन हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है इस न्यूमेरिकल में फर्स्ट पॉइंट का आरएल गिवन है, इसलिए हमने राइज एंड फॉल फर्स्ट पॉइंट का नहीं निकाला है। ठीक है, निकाल भी नहीं सकते क्योंकि उससे पहले कोई रीडिंग नहीं है हमारे पास, तो इसलिए इसका आरएल गिवन भी है। ठीक है, और आरएल जरूरी नहीं है कि फर्स्ट पॉइंट का गिवन हो सकता है सी पॉइंट का आरएल गिवन हो। अगर सी पॉइंट का आरएल गिवन होगा तो फिर ए पॉइंट का हमें आरएल निकालना होगा, और ए पॉइंट का आरएल निकालने के लिए हमें राइज एंड फॉल या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालनी होगी, वो क्लियर होगा न्यूमेरिकल। मैंने कहा ना आपको न्यूमेरिकल जो मैं कराऊंगा वो दो टाइप, हर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में दो टाइप के न्यूमेरिकल होंगे, राइज एंड फॉल में दो टाइप के न्यूमेरिकल होंगे। दो टाइप क्या होंगे कि फर्स्ट रीडिंग बेंचमार्क गिवन है और बीच में कोई रीडिंग बेंचमार्क गिवन है, तो चार न्यूमेरिकल होंगे, उन चार में से ही किसी एक टाइप का आपका न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा। ठीक है, कोई डाउट हो या डाउट क्लियर ना हो तो बताओ। ओके सर, ठीक है, मेन एम एम आर आर एल निकालना है किसी भी तरह से। और किसी का कोई डाउट? कितने स्टूडेंट हैं? 32। ठीक है, आप लीव कर सकते हो क्लास को, मैंने अटेंडेंस डाउनलोड कर ली है। Thank you.